नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। लोगों का कहना है कि हमारा एज 20 साल है और कहाँ इन्वेस्ट करूँ, सैलरी बहुत कम है। तो यहाँ पे दो तबके के लोग होंगे जो गांव से आके सर नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनकम कम है। तो पहला कैटेगरी होगा जो अपने पसंद का काम कर रहे हैं, जो उनका पैसन है वही उनको काम मिल गया, मज़ा आ रहा है काम करने में। दूसरा तबका ऐसा है गाँव से उठ के शहर आए, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, कहीं भी, और 10 जगह अप्लाई किया, 10 जगह इंटरव्यू दिया और ये कहा जहाँ भी पहले हो जाए वो नौकरी करना शुरू कर देंगे। कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है, क्लर्क का काम मिल जाए, सेल्समैन का काम मिल जाए, अकाउंट ओपनिंग का काम मिल जाए, एटीएम बांटने का काम मिल जाए, सिम बेचने का काम मिल जाए, एमआर का काम मिल जाए, कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट के लिए काम मिल जाए, जो भी मिल जाए। ऐसा करके एक ऑफर आता है और 20 हज़ार रुपये पर मंथ से सैलरी स्टार्ट होता है। इनको काम जो करना पड़ रहा है बेमन से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इच्छा कुछ और था, मिल गया कुछ और। इनका काम मन के मुताबिक है, जो जैसा चाहा वैसा मिल गया, जो पैसा नहीं वही काम कर रहे हैं। तो जो मन से किया है, जो बेमन से किया, इस पे इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मन से मिला जो चाहा वही हुआ। इनके लिए ये है कि आपको एक्टिंग करना है, मन लगाने का, मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन मन लगाने का एक्टिंग करना है। इस पे एक कहानी है, एक चपरासी है, वो रोज काम करने के लिए आते हैं, ऑफिस आते हैं, और मालिक जो है बात बात पे उनको डांटते रहते हैं, कभी पानी ज़्यादा गर्म हो गया, कम हो गर्म हो गया, उस पे जो है बिगड़ गए, या फिर चश्मा कहीं भूल गए, खुद भूल गए, नौकर पे जो है चपरासी पे जो है वो झाड़ रहे हैं अपना लाट साइड ही, कभी चश्मा कहीं भूल गए, खुद कहीं भूल गए, डांट उनको रहे हैं। और एक दिन कहते हैं कि मुझे कल वहाँ जाना था, आपने याद नहीं दिलाया, जाना उनको था, याद कैसे दिलाएंगे, मन में उनके पास क्या है, कहाँ जाना है। तो बात बात पे उनको इस तरह से प्रताड़ना मिलता था। तो एक दिन एकदम उदास हो गए और वो कुछ नहीं बोलते थे, जब भी डांटते उनको कुछ नहीं बोलते थे। उदास होकर जब घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक संत मिले, बोले मैं अपने ऑफिस में बॉस से तंग तंग हो गया, कोई उपाय बताइए कि शांति मिल जाए, बड़े परेशान हो। तो संत ने कहा एक काम करो, मालिक का एक फ़ोटो घर पे लगा लो, घर पे अच्छा सा फोटो लगा लो, जहाँ पे भगवान में पूजा करते हो, तैयार होके पूजा करते हो, ऑफिस जाते हो, उसके बगल में मालिक का फोटो लगा लो, और घर से निकलते समय एक चप्पल इस गाल पे और एक चप्पल इस गाल पे फोटो में मारना है, उसके बाद वापस आ जाना है। उन्होंने ऐसे एक्टिंग करना शुरू किया। जैसे ही आया ऑफिस, मालिक को देखा, पहले उदास रहता था, देख के हंसने लगे। मालिक देखे, मालिक कहते आजकल बहुत खुश लग रहा है, कुछ लॉटरी लग गया क्या? अब जब भी देखते थे खुश मिजाज रहते थे, जैसे ही देखते थे खुश होते थे, कुछ भी बोलते थे डांटते थे हंसने लगते थे। तो मालिक का हमेशा यही पूछना था, बड़ा खुश हो, पहले तो इतना खुशी दिखता नहीं था। तो इस तरह से कहानी आगे चलता है। अब जो भी व्यक्ति बेमन से काम कर रहे हैं ना, काम तो है, छोड़ के तो जा नहीं सकते वापस घर, तो एक्टिंग करना है, किसी तरह से एक्टिंग करना है, ज़्यादा दिन तक नहीं करना है, 14-15 साल, वो 14 साल का वनवास है ना भगवान राम जी वाला, उस तरह का एक्टिंग को एक्टिंग करना है। और जिनको मन लग रहा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना मन लगाते रहिए। अब यहाँ पे जो आपका 20 हज़ार रुपया सैलरी है, वहाँ से 25% पैसा बचाना है, 5 हज़ार रुपया, बाकी 15 हज़ार में जो खर्चा करना है करना है, 5 हज़ार रुपये बचा के आने वाले 25 साल तक मन में सोचना है, एप्लीकेशन पे लिखना न लिखना अलग बात है, 25 साल के लिए सोचना है 5 हज़ार रुपये पर मंथ। और यदि स्मॉल कैप मिड कैप 15% का रिटर्न मिलता है तो देखते हैं आने वाले 25 साल में 5 हज़ार का SIP, SIP के सेक्शन में गए हैं, 5 हज़ार रुपये पर मंथ 15% के रेट से 15 लाख जमा होता है, 1,64,00,000 रुपये बनता है। यहाँ पे 5 हज़ार रुपये पर मंथ 15 साल, 45 साल के एज तक, अभी 20 साल एज है, 25 साल और करेंगे तो 45 एज हो जाएगा, 15 लाख जमा होगा, 1,64,00,000 बन जाएगा, ये हो गया समीकरण 1। 5 साल के बाद मन बनाते हैं कि शादी करना है, कुछ पैसा भी जमा हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, शादी करने के लिए जाते हैं। शादी में आप मिनिमम खर्चा करते हैं, इसके लिए पिछला वीडियो आपने कोई देख लिया है, मिनिमम खर्चा करते हैं, वापस आ जाते हैं, वापस आने के बाद सैलरी थोड़ा सा बढ़ जाता है, शादी किए हैं सबको पता भी चल गया, ऑफिस में काम अच्छा कर रहे हैं मन लगा के एक्टिंग करके, तो 5 हज़ार रुपया सैलरी बढ़ गया। फिर 5 हज़ार रुपया को आप और इसमें इंक्रीज कर देते हैं, एक SIP और 1-1 हज़ार रुपया फिर से ऐड कर देंगे उसी स्मॉल कैप में। अब ये 5 हज़ार रुपया चलेगा आने वाले 20 साल तक, ये भी 15% का रिटर्न मानूं, कैलकुलेट करूं तो यहां देखते हैं आने वाले 20 साल तक 5 हज़ार रुपये पर मंथ, आने वाले 20 साल तक 15% के रेट से 12 लाख जमा होगा, 75 लाख रुपया लगभग बन जाएगा, यहाँ पे 75 लाख बन गया, समीकरण नंबर 2। अब
फिर इसके 5 साल के बाद यानी टोटल 10 साल आपने पैसा जमा कर दिया, फिर यहाँ से जो नया शुरू किया था उसके 5 साल के बाद मन बनाते हैं कि गांव में वाइफ है अभी तक तो लाए नहीं है, अब लाते हैं एकदम DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जाएंगे ना ले आएंगे। अब ये क्यों ला रहे हैं पता है? ये 10 साल पैसा जो कॉन्फिडेंस है उनको पैसे का, जो अपने पास कैश पैसा है उसका ये कॉन्फिडेंस है कि अपनी वाइफ को गांव से उठा करके दिल्ली बम्बई कलकत्ता शहर जैसे शहर में ला पा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस पैसे का है। अगर मैं जानता हूँ ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके पास एक फ्लैट दो फ्लैट एक प्लॉट दो प्लॉट छोटा छोटा है गांव में खरीद के रखे हैं, हस्बैंड यहाँ है वाइफ वहाँ है, साल में 6 महीने में एक बार जाना आना होता है, इस तरह से ज़िंदगी कट रहा है, पूरा ज़िंदगी निकाल देते हैं। और ये बंदा 10 साल में 20, 10, 30 साल हुआ एज, 30 साल के एज में अपने वाइफ के साथ ऐसा मन बना लिया कि लाना है। अब जब घर जाते हैं लाने के लिए तो उनका साला तैयार है, पढ़ लिख के तैयार है, और पॉलिसी बेचने वाला वो हो चुके हैं गांव में, बोलते जिया जी बहुत बढ़िया पॉलिसी आया है ये वो ले लीजिए ना, मन एकदम सजाग रखे थे कि जिया जी तो ले ही लेंगे, मना तो करेंगे नहीं। उन्होंने एक तरकीब बताया कि 50,000 साल का इसे करेंगे तो लगभग 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो जिया जी बोलते हैं कि इसमें कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा? बोले लगभग पहला प्रीमियम पे 7,500 मिल जाएगा। बोले ऐसा करते हैं ये कीजिए 5,000 रुपया आप ऐसे लीजिए, ऐसे भी गोड़ लगाए में कभी कुछ दे नहीं पाए थे, 5,000 रुपया मेरे तरफ से लीजिए, हमको ये नहीं लेना है, हमको कुछ और काम है करेंगे बाद में। वो चुप हो गए, एक आदमी तो चुप हो गया भाई। अब बाबू जी जो है पहले से कॉर्नर का बर्फी साइज का टुकड़ा 100 गज का प्लॉट देख के रखे थे, और गलती से उनके पास कागज आ गया था SIP वाला। वो कागज इस तरह से था कि पहला जो 55,000 का SIP किया 10 साल तक तो 13% का रिटर्न दिख गया, 12,33,000 रुपये वहाँ पे पैसा जमा हो गया, और दूसरा जो 55,000 रुपये किया था उसका तो 5 ही साल पूरा हुआ है, 4,48,000 यहाँ दिख रहा है। दोनों को जोड़ दिया मोबाइल का कैलकुलेटर लेके बाबूजी, 16,81,000 है। तो 20 लाख का प्लॉट में उनका ध्यान आकर्षित हो गया कि 20 लाख का एक प्लॉट बाबू ले लो। तो बेटे का कहना था बाबूजी अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, ये छोटा सा प्लॉट क्या लेंगे बड़का वो लेंगे। बाबूजी ये सुन के बड़ा खुश हो गए, अच्छा बड़ा प्लॉट लेगा, छोटा है छोटा है और मेहनत करेगा और अच्छा करेगा, बड़ा प्लॉट लेगा, बड़ा गदगद हो गए। जब ट्रेन में हस्बैंड वाइफ बैठ गए तो चुपके से एक वीडियो व्हाट्सएप पे भेज दी बाबूजी के, मेरा वाला एक नहीं 4-5 भेज दिए। 4-5 वीडियो देखने के बाद बाबूजी कभी नहीं बोले कि कौन सा प्लॉट लेना है नहीं लेना है, कभी इसका चर्चा ही नहीं किए। आगे बढ़ा गाड़ी, गाड़ी जब आगे बढ़ा तो ऑफिस के आसपास ही 2 से 3 किलोमीटर पे उन्होंने घर ले लिया रेंट पे, अपना वाला जो है कीड़ा दिमाग में नहीं आया अभी, रेंट पे ले लिए। अब जब है जब लेते आए वाइफ को तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्यों? रेंट भी देना है, 1-2 साल के बाद बच्चे हो गए, बच्चे का परवरिश करना है अच्छे से करना है, एकदम PVR में पिक्चर भी देखना है, रेस्टोरेंट में खाना भी खाना है, इन्वेस्टमेंट ठप करना नहीं है, मैं भी मना करता हूँ नहीं करना है। वो जो दो किए थे समीकरण सजाए थे, पहला 25 साल तक 55,000 का SIP और दूसरा 55,000 का आने वाले 20 साल तक, दोनों को जोड़ते हैं 2,39,00,000 रुपया होता है एट द एज ऑफ 45 पे, एकदम दूरदृष्टि पक्का इरादा 2,39,00,000 हो गया। हटा दीजिए 39 लाख को, टैक्स चला गया ये हो गया वो हो गया, 2 करोड़ रुपया जिसके ज़िंदगी में आ जाएगा। अब आप प्लान कीजिए गांव में रहना है शहर में रहना है, वही नौकरी करना है कुछ और करना है, वो आपको 14-15 साल के बाद पता भी चल जाएगा। जब जिनके पास पैसा होता है ना वो अपनी मर्जी का काम करते हैं, मन से काम करते हैं, ये नहीं कि आपको उसी ऑफिस में उसी जगह पे उसी मालिक से सब कुछ सोचना है। धीरे धीरे प्रायोरिटी चेंज होगा, हर 10-15 साल में ज़िंदगी में प्रायोरिटी चेंज होता है, तो एक जगह पे मोड़ा पे सारा पैसा झोंक करके ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे ज़िंदगी खुद से खुद सिखाते जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कौन कौन से फंड में कर दूँ बताइए, शुरुआत करते हैं, एज मेरा 20 है। तो फंड का जहाँ तक बात होता है यहाँ पे मैं मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया हूँ, मेरे कैलकुलेटर में 22 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है, आने वाले दिनों में यहाँ पे 25 साल भी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 5,000 रुपये पर मंथ सेट किया है, तो यहाँ देखते हैं 2001 से लेकर 2023 तक निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 5,000 रुपये पर मंथ 2001 से लेकर अब तक 13,20,000 जमा हुआ है, 2,03,00,000 बना है, 20.96% का रिटर्न जनरेट किया है। हमने कितना सेलेक्ट किया था वहाँ पे 13-15। अब
फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमो देखते हैं, 13,20,000 यहाँ भी जमा हुआ, 1,59,00,000 रुपया बना है 19% के रेट से। अगर हम एवरेज का बात करते हैं तो 16.75% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। अब ये तो मिड कैप कैटेगरी का बात है, लेकिन आपको खरीदना है स्मॉल कैप, कौन कौन सा स्मॉल कैप वो भी बताएंगे। तो पहले लास्ट 15 ईयर्स में 5,000 रुपये पर मंथ का स्मॉल कैप में रिटर्न देख लेते हैं। डीएसपी स्मॉल कैप 2008 से लेकर 2023 तक 5,000 रुपये पर मंथ, 9,00,000 जमा हुआ है और वैल्यू है 46,48,000, 19% का रिटर्न। कोटक स्मॉल कैप 18.29% का रिटर्न। फ्रैंकलिन प्राइमा का 17.94% का रिटर्न। क्वांट स्मॉल कैप 15.81। एवरेज का बात करते हैं, एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न 16.66% का रिटर्न। अब बात होता है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें, तो 10 साल यहाँ पे हमने ड्यूरेशन सेलेक्ट किया है। और यहाँ जो फंड आता है, पहला निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप और ICICI स्मॉल कैप। टोटल 7 फंड है, 7 में से कोई भी आप 5 ले सकते हैं। मेरा माने तो ICICI, HDFC जो बैंक वाला है उसको भी लेना है, एक क्वांट को ले लेना है और 2 बचा निपॉन और SBI। 1,000 रुपया का शुरुआत करना है, यहाँ पे लंबे समय तक करना है। वही सेंटेंस याद रखना है, दूरदृष्टि पक्का इरादा, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और कितना गरीब से गरीब हो, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आपको इसी तरह मार्केट के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।